हम लोग भारत सरकार की जो बैंकों का जो निजीकरण की उनके के लिए जो विधेयक पार्लियामेंट में वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी दो दिनी हड़ताल 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को उनकी कॉल पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जिससे कि जो हमारे देश में 10 लाख बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं सभी जगह पे एकत्रित होकर वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और हमारी जो मुख्य मांग ये है कि जो संसद में बिल प्रस्तुत होने जा रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करें और सारे राष्ट्र के बैंकों में तालाबंदी हो। अभी आपने देखा कि एक मनोहारी मनभावन सरकार आई, देश में लोगों के दिलों को जीतने लगी, लेकिन अब उसकी मंशा धीरे धीरे साफ होने लगी है। उसकी मंशा देश में देश की चीज़ों को बेच करके अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की है। वो देश नहीं चला पा रही है, विभाग नहीं चला पा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि बैंक हम सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम बेच रहे हैं। अगर आप बैंक नहीं चला पा रहे हैं तो फाइनेंस देश का कैसे चला रहे हैं? इस तरह की सरकार को शासन में नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में कोई भी बैंक प्राइवेट नहीं किया जाए। हम लोग दो दिवसीय हड़ताल पर हैं।